आतंकवादियों को ट्रेनिंग सस्ता देंगे, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। या तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में, भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलेमा ए हिंद, तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये तीन संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा ए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। तालिबान ने भारत से रिलेशन की इच्छा दिखाई है, वो कह रहे कि हाँ, आतंकवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पूरा करे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजीरिया के मुसलमानों को शरण दिया था, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है। जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए, हम तो नहीं कटवाएंगे। जी जिस नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान है, आपको विश्वास है इस स्थिति में वे पूरा नहीं होने देंगे? हमें तो दृढ़ विश्वास है, हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायत उलेमा हिंद, उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। जिस तरह से महाराष्ट्र की स्थिति देखी जा रही है, आप यहाँ पे आए हुए हो, यहाँ की स्थिति बीजेपी वर्सेस अभी शिवसेना, जो दोनों हिंदुत्ववाद के मुद्दे पे एक जगह थे, अभी वो अलग हुए हैं, क्या कहेंगे स्थिति के बारे में? अरे मेरे भाई, बीजेपी शिवसेना वाला एक दूसरे के विरुद्ध बोलकर एक दूसरे का पब्लिसिटी का मार्केटिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया में, भारत में शिवसेना और भाजपा का नाम बड़ा करने का काम दोनों कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को थैंक यू करके 125 रुपया पब्लिसिटी के लिए एक दूसरे को भेज। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में क्या भजन दल के कार्यकर्ता खड़े होंगे चुनाव में? नहीं, कोई चुनाव में हम खड़े नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तान का समर्थन है, पाकिस्तान जड़ से उतरना चाहिए आपको? अरे समर्थन नहीं, तालिबान पाकिस्तान में पैदा हुए, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम देवबंद भारत का उसका बाप है। जिस तरह से अमरुल्ला साले उपराष्ट्रपति हैं, माजी उपराष्ट्रपति अफगानिस्तान के, उन्होंने भी इस तरह से आरोप लगाया था कि तालिबान और पाकिस्तान और जो हक्कानी नेटवर्क है, इनका एक संबंध है, एक सच है, आरोप है, तो आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल सच है, मैंने कहा ना, पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम उसका बाप है, दोनों की पैदाइश का नाम तालिबान है। किस तरह से अभी मतलब देश को अभी किस तरह से इस पूरे सुरक्षा के बारे में काम करना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? एक ही रास्ता है, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमा ए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे और मौलवी सब पर प्रतिबंध लगाया जाए, एक ही रास्ता है, वह करोगे तो भारत का तालिबानीकरण रुकेगा। रोटी पकी पकाई आपको मिल गई है और आप मुल्क के अंदर डॉक्टर तो बढ़िया बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं जानते कि हजरत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन यहीं से पढ़कर के निकले थे, जिनको मिस्टर मिस्टन ये कहा करता था कि अगर शेख उल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए तो उसकी राख से भी अंग्रेज की दुश्मनी की बू आएगी। जमीयत उलमा इस बुनियाद के ऊपर जो काम करती है उस काम के अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं होती। हम आज भी काम कर रहे हैं। मेरे बाज दोस्तों ने मुझे आज डॉक्टर तो बढ़िया जी कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजी जिसमें
मोहतरम डॉक्टर साहब तालिबान के सिलसिले में ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात उनकी माँ है, दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है, आया जमीयत उलमा हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है, ये नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरत हुई कि तालिबान को तबलीगी जमात से जोड़ा गया। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जो ऐसी धार्मिक जमात है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो बात बताते हैं वो जमीन के नीचे की होती है कि मौत के बाद तुझे किस चीज का जवाब देना होगा और तू अपने कब्र के अंदर किस तरह चैन और सुकून से रह सकेगा, और या आसमान के ऊपर की बात बताते हैं कि मौत के बाद तू किस तरह जन्नत में पहुंच सकता है और किस तरह जहन्नम से बच सकता है। बाकी इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है और न वो अपने आप को दुनिया के झगड़े में डालते हैं। तालिबान से उनका रिश्ता और संबंध कैसे जोड़ दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे हैरत हुई। दूसरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। मैं ये यकीन करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख से डॉक्टर साहब बिल्कुल ना वाकिफ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं बताता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद तो सन 1866 में जब बना है, जब 1857 का जिहाद जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे उसमें नाकामी हो गई और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मुजाहिद थे और जंग कर रहे थे गुलामी के खिलाफ उनको चुन चुन कर दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई। 33,000 उलमा को दिल्ली के अंदर कत्ल किया गया और लाल किले से लेकर के जामे मस्जिद तक जो दरख्त थे उन पर उनको लटका दिया गया। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद को बनाया गया। दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े सपूतों ने लोहा लिया है अंग्रेजी हुकूमत का। डॉक्टर साहब नहीं जानते कि हजरत शेख उल हिंद मौलाना महमूद हसन यहीं से पढ़कर के निकले थे, जिनको मिस्टर मिस्टन ये कहा करता था कि अगर शेख उल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए तो उसकी राख से भी अंग्रेज की दुश्मनी की बू आएगी। वो आदमी ऐसा है कि जो माल्टा की जेल तक पहुंच गया और अंग्रेज ने गिरफ्तार करके उनको 7 समंदर पार वहां भेज दिया। माल्टा की जेल के अंदर शेख उल हिंद गए और 4.25 साल रहे, वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। माल्टा की जेल में मौलाना उज़ैर गुल गए, वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। हकीम नुसरत हुसैन गाजीपुर के थे, वो गए, वो दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म थे और ऐसे तालिब इल्म थे कि वो वहीं मर गए और वहीं उनकी कब्र है माल्टा के अंदर। उनसे अंग्रेज ने कहा जब बीमारी लंबी हुई कि हम आपको माफ कर देंगे, आप जाए अपने वतन में। उन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर है, अपने वतन की जिंदगी मंजूर नहीं है कि मैं अंग्रेज से माफी मांग करके यहाँ से जाऊँ। चुनाचे मर गए और वहीं दफन हो गए। मौलाना मदनी दारुल उलूम देवबंद के फारिग हैं, माल्टा की जेल में रहे। मौलाना वहीद अहमद देवबंद के फारिग हैं, माल्टा की जेल के अंदर रहे। ये दारुल उलूम देवबंद का किरदार है। दारुल उलूम देवबंद ने जिन लोगों को पैदा किया है उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि आप दारुल उलूम देवबंद को बंद कराना चाहते हो, ये तो बताओ कि आपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और अंग्रेज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या किरदार अदा किया है और आपके पूर्वजों ने क्या किरदार अदा किया है। जबान की लपालपी तो बहुत है। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझना तो चाहिए, तारीख के और आपको वर्कों को पलटना तो चाहिए। आप ये तो देखें कि जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया,
नौ नौ दस दस साल जेलों के अंदर रहे, मौलाना मदनी सहारनपुर की जेल में रहे, माल्टा की जेल में रहे, मुरादाबाद की जेल में रहे, बरेली की जेल में रहे, नैनी जेल इलाहाबाद में रहे, साबरमती जेल में रहे, मौलाना हिफ्जुर रहमान जेलों में रहे। सब कौन थे? तो वही थे जिनको दारुल उलूम देवबंद ने पैदा किया था। आप कोई मिसाल पेश करें, आप ये बताएं कि आपने क्या मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। आजाद मुल्क आपको मिल गया और आपको आगे बढ़ा दिया गया, आप आगे बढ़ करके ये बात कर रहे हैं, मगर ये बात हकीकत के खिलाफ है। जमीयत उलमा हिंद, आपने ये नहीं बताया कि तालिबान का रिश्ता जमीयत उलमा हिंद से क्या है। मौलाना मदनी जमीयत उलमा के सदर थे, तकरीबन 10 साल अंग्रेज की जेल के अंदर रहे और जमीयत उलमा के सदर, आज भी जमीयत उलमा का एक किरदार है और वो ये है कि जमीयत उलमा मजहब की बुनियाद पर दो कौमी नजरिए को नहीं मानती, गलत है। इस मुल्क के सब बसने वाले एक ही कौम है। जमीयत उलमा इस बुनियाद के ऊपर जो काम करती है उस काम के अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं होती। हम आज भी काम कर रहे हैं, हमने केरला के अंदर काम किया, एक मकान 4 लाख रुपए का बना है, हमने उन मकानों के अंदर कुछ नहीं देखा। हिंदू है तो उसको मकान बना करके दिया, ईसाई है तो उसको मकान बना करके दिया, मुसलमान है तो उसको मकान बना करके दिया। डॉक्टर साहब मोहतरम, आप साबित करें कि आपने पीड़ित हिंदुओं के लिए काम किया है तो कई मुसलमान पीड़ित मुसलमानों के लिए काम किया है, आप नहीं पेश कर सकते। हम आज भी काम कर रहे हैं, आपका ये बयान बंबई के लिए, हम बंबई के अंदर काम कर रहे हैं, कोकण के इलाके के अंदर, आप नहीं समझते हैं हमने कितना काम मुसलमानों के लिए किया है और कितना काम हिंदुओं के लिए किया है। हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं, हमने 33 मकान है जिन मकानों को हमें मुकम्मल बना करके दिया। मैं आपसे कहता हूँ कि इसके अंदर से 15 मकान गैर मुस्लिमों के हैं जिनके अंदर हम बना कर दे रहे हैं, इसके अंदर 1-2 मकान मरम्मत के भी हैं, बाकी हम पूरे मकान बना करके दे रहे हैं। एक मकान के ऊपर खर्च 3.5 से लेकर 4 लाख रुपए तक है। हमारे नजदीक सब एक कौम है, दो कौमें नहीं है। ये आपका नजरिया है, हमारा नजरिया तो एक ही है। ये काम जमीयत उलमा हिंद कर रही है। आप ये चाहते हैं कि इस दरवाजे को बंद किया जाए तो आप ये बताइए कि काम करने का तरीका क्या है, आप मुझे ये बताइए और आप मीडिया के अंदर बोलिए कि आपने कितने काम किए हैं जिसके अंदर परेशान हाल और पीड़ित हिंदुओं की आपने मदद की है तो मुसलमानों की भी मदद किया, आप बताएं, फिर उसके बाद कहेंगे जमीयत उलमा के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि आपको तारीख पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, सबको एक ही लाठी से नहीं हांका जा सकता। आप जो बात कहें, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, उसके बाद आप ये बात कहें। जिन चीजों को, जिन इदारों को आप बंद करना चाहते हैं, ये इदारे तो हिंदुस्तान की जान है और सही रुख को पेश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि किसी मजहब का मानने वाला इस नफरत की सियासत को कबूल करेगा, जो कर रहा है वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, गलत बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ बूझ कर बात करनी चाहिए, गलत बात अपनी जबान से न निकालनी चाहिए। मेरे दिल में आपकी कदर है, आप एक मोहतरम आदमी है, मुझे तकलीफ हुई कि आप जैसे आदमी, शोहरत याफ्ता आदमी ऐसी बात करे, मैं उस बात को गलत समझता हूँ। मैंने आपका एक दूसरा वीडियो भी सुना था, एक साहब ने मुझे सिखलाया, जब मोहन भागवत जी ने आसाम के अंदर ये कहा कि मुल्क के अंदर कोई तफरीक नहीं है, हिंदू और मुसलमान सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनके रगों के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो एक ही खून है, कोई तफरीक नहीं है, उसके ऊपर आप मोहन भागवत जी के ऊपर कितना नाराज हुए। मैं ये समझता हूँ कि आरएसएस के संचालक की ये बात बड़ी बेहतरीन बात थी और वो ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क को जिंदा किस तरह रखा जा सकता है और अपने इस मुल्क के अंदर अमन और अमान की किस तरह पैदा हो सकता है। आपने उनकी जात के ऊपर भी कीचड़ उछा ली है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये बात गलत है और जिस रुख पर आप चल रहे हैं वो रुख गलत है।